हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इरशाद फरमाते हैं। वैसे इब्ने अब्बास पर ये मौकूफ़ है मगर हुक्म मरफू में है, इब्ने अब्दुल बर ने इसको रवायत किया है। ये हदीस शरीफ भी इन हालात में समझना और इसको समझाना और इसका इजहार करना बहुत ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला कहते हैं, मन तारा का सलासा जुमा, जिसने तीन जुमे छोड़ दिए, मुतवालियातिन पै दर पे, उसने तीन जुमे नहीं पढ़े, फ़कद नबज़ल इस्लाम वरा अज़हरे ही, उसने इस्लाम को अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया। फ़कद नबज़ल इस्लाम वरा अज़हरे ही, वरा कहते हैं पीछे, ज़हर कहते हैं पुश्त को, नबज़ा का माना है फेंकना। इतना अहम है नमाज जुमा का इनेकाद कि जिसने तीन जुमे मुसलसल, और आज ये तीसरा जुमा है लॉकडाउन में, और इस सिलसिला में यानी देखना चाहिए कि जुमे को रोकना, इस पर खुमियाजा कितना भुगतना पड़ता है, कि ये कोई छोटी सी बात नहीं। इस वास्ते हजारों मुसलमान जंगों में जब शहीद हुए, जुमा फिर भी नहीं रुका। यानी जिस शहर पर काफिरों की फौज ने हमला किया, जुमे वाले रात को आगे जुमा था, हमले के बाद हजारों लोग शहीद हो गए, तो फिर भी जुमा नहीं रुका। और ताउन के आने पर 20-20, 25-25 हजार लोग शहीद होते रहे, ताउन से जहां भाग होते रहे, फिर भी जुमा नहीं रुका। इस कदर ये शायर इस्लाम से है कि इसे हर हाल के अंदर मुकम्मल किया जाता है।